गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्रॉम आरपीएस पब्लिक स्कूल। इन क्लास थ्री फॉर चैप्टर ज्योमेट्री। जस्ट बिफोर इससे पहले हमने पढ़ा था लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस, दैट मींस स्लीपिंग लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन को ही स्लीपिंग लाइन कहा जाता है। ए लाइन स्ट्रोल हॉरिजॉन्टली इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। जो लाइन हॉरिजॉन्टली होते हैं उसी को हॉरिजॉन्टल लाइंस कहा जाता है। दैट मींस ये इसको इस तरह से हम लोग शो करते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइंस, एस्टेंडिंग लाइंस, वर्टिकल लाइंस को ही हम लोग एस्टेंडिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। ए लाइन ड्रो वर्टिकली इज कॉल्ड वर्टिकल लाइंस। इट मींस ये इस तरह से इसको हम लोग, मतलब इस तरह का जो लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, वर्टिकल लाइंस कहलाएगा, या एस्टेंडिंग लाइंस भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्लिक्यू या स्ट्रैटिक्स लाइन, ये होता क्या है, ए लाइंस विच इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल इज कॉल्ड एन ऑब्लिक्यू लाइंस। इट मींस सो इस तरह से इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ऑब्लिक्यू लाइंस को स्लैंटिंग लाइंस कहा जाता है। ये बच्चों इसको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है, जो ये बोर्ड पे है, और इससे पहले वाले उसके साथ भी इसके आगे इसको नोट कर लेना है। अब इससे रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज है उस पे आता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा वो क्या क्या होगा उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, ठीक है। इसका नाम ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया, ठीक है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे, कौन सा लाइन, हॉरिजॉन्टल, कौन कौन सा होगा, तो P Q कौन सा लाइन होगा, P Q और S, क्या होगा R S, और कोई भी लाइन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल स्थिति क्रम में नहीं होगा। दैट इज वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो होगा वो कौन कौन सा होगा, P S Q R, ठीक है। अब उसके बाद जो आते हैं हम लोग स्ट्रेटिंग लाइन, कौन से लाइन, तो स्ट्रेटिंग लाइन जिसको हम लोग ऑब्लिक्यू लाइन भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेटिंग लाइन मतलब स्ट्रेटिंग लाइन का डेफिनेशन में क्या होता है, नॉट हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल, ना ये हॉरिजॉन्टल होता है नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल, ना ये हॉरिजॉन्टल होता है ना ये वर्टिकल होता है। उसमें कौन कौन सा आता है, पी आर और कितने
ठीक है, उसके ए लाइन सेगमेंट डैश पॉइंट, ए लाइन सेगमेंट में पॉइंट जो होंगे वो कितने होंगे, टू पॉइंट होंगे, ठीक है। वही अगर है कि ए लाइन हैज डैश पॉइंट्स, तो लाइन में कितने पॉइंट्स होंगे, लाइन में कोई पॉइंट्स नहीं होगा, यानी जीरो पॉइंट्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है बच्चों, तो आपको घर से इसको सॉल्व करके लेके आना है। जो भी डिफिनेशन हमने बोर्ड पे नोट कराया उसको कॉपी में करके हमें सेव करना है, और इसका एक्सरसाइज 62 होमवर्क कंप्लीट, एक्सरसाइज 62 को कंप्लीट करके हमें शेयर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।